आगे असर आगे ही या बगे होई पई तुम कौन हो? देखो मैं तुम जहां जा रही हूँ तुम्हारे सर पे संकट उठ रहा है बेटी, मैं वहां मत आवा। क्यों? अब तुम तो वहां जाओगी तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। नहीं कर रहा, तुम गलत कर रहे हो, वो मेरे भैया है। नहीं बात, तुम्हारे भैया के सर पे कल सवार है, अगर तुम वहां जाओगी तुम्हारे भैया तुम्हें हत्या कर देंगे। हत्या भैया भाग देखो मान, मेरा क्या नाम मानो, मैं कार्ड बोल रही हूँ मान, अगर तुम चाहोगी तुम्हारी हत्या हो जाएगी मान। मेरे क्या नाम मानो, मत जवाब कार्ड। हाँ भाई, तुम मेरे रास्ते को मत रोको। क्यों? तुम मेरे रास्ते से तुम अलग हो जाओ, तुम्हें जाने दो। नहीं, अगर तुम नहीं मानती है तो मैं तुम्हारे प्रयोग में मर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी? कागा मेरे रास्ते को रोक रही है, ज्यादा कागा मैं तुम्हारा बात कल नहीं पाएगी। तुम मेरे रास्ते को मत रोको, तुम मेरे रास्ते से क्यों अलग हो जाओ? मुझे जाने दो मेरे भैया की जान, पर क्योंकि मेरी बहन अभी तक मेरे लिए भोजन लेकर नहीं आई है। मैं भी तुम्हारे विरोध में मर रही हूँ बहन। अहे गधा बहन, हम लोग की किसान भाव ले गई तो सारे गधा जिला तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं भाई, भूल जा रही है। जिला भाई तू आ मत जवान। तुम कौन हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? मैं तुम्हारे घर की जोड़ा बैल बोल रहा हूँ। अरे यह बार लगे है के टीटी सा बचरा पोही हार लगिया।
Yeah,
भैया
इस दुनिया से गया है और मेरा नाम धीरज सिंह राजा पड़ता है। मैं मेरा ससुराल मानिकपुर शहर पड़ता है। साला का नाम उमा चंद राजा पड़ता है। मेरा शादी एक ही बचपन में मेरे पिताजी मानिकपुर शहर में कर दिया। जब उमा चंद मेरे साला का पिताजी जब स्वर्गवास हो रहे थे, उसी वक्त मेरे पिताजी से आकर के बात किए और मेरा शादी उसी वक्त तय कर दिया। आज मैं निजी भाग रात में सोया हुआ था, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे प्रिय मेरे रानी मेरे अर्थांजलि बहुत ही कष्ट में है। आज मुझे सुरता लगा है कि मैं अपने धारी ससुराल को जाऊं। मैं यहां से अपने ससुराल को जा रहा हूं। Thank you.
से महिला चली गई हो ससुराल को आया हूं तो रास्ते में ये नेमोचर भैया मेरे साले साहब का है और यहां पे बहुत ही दरख्त लगे हुए हैं, वृक्ष लगे हुए हैं और ठंडा मौसम है। मैं धूप से आया हूं, दिल करता है कि थोड़ा आराम कर लूं और उसके बाद मैं अपने ससुराल को जाऊं। स्वामी जी, आप जो इस नेमोचर बाजार में आके सो गए हैं, आपको कुछ पता नहीं है। स्वामी जी, मैं सात सहेली मिलकर के इस नेमोचर बाजार में आई थी सिख उतारने के लिए। अचानक किसी चोर चंडाल ने मुझ पर हमला किया और मुझे मार डाला। स्वामी जी, आप उठ करके इस तीन पोर के बांस को, नीचे वाले पोर को नीचे छोड़ दीजिए, ऊपर वाले पोर को ऊपर छोड़ दीजिए और उसका एक बांसुरी बना लीजिए। आप जब बांसुरी बनाएंगे उसमें जब आवाज देंगे तो मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। मैं जब यहाँ सो रहा था तो मैंने स्वप्न में देखा कि मेरी पत्नी ने मुझसे कह रही है कि मैं तीन पोर के बांस बन के खड़ी हूँ, आप मुझे काट लीजिए और उसका बांसुरी बना करके बजाइए, मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। ठीक है, मैं करके देखता हूँ।
यही तो विधि का विधान है रानी। स्वामी जी मैं भी एक धर्म पत्नी हूं, मेरी नाम झूला सतवर्ती है। स्वामी जी बोलो रानी। मैं पतिव्रता नारी हूं, आप मेरे पतिदेव हैं। आप क्या मानिकपुर शहर को जा रहे हैं? हाँ हाँ प्रिय, मैं तो मानिकपुर शहर को जा रहा था कि मैं अपने पति को वहां से विदाई करके अपने घर को ले जाऊं। लेकिन प्रिय सारे जी, जब मैं यहाँ आया तो मैंने मुझे ये दृश्य देखने को मिला कि मेरी प्रिय का हत्या हो चुका है। सारे जी हाँ हाँ प्रिय, क्या बताओ सारे जी, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं अवश्य बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा हत्या कैसे हुआ और क्यों हुआ, किसने किया, उसका नाम बताओ मुझे। मैं साथ सखी मिलकर के आई थी नेमो चरवैयार सीखी तारने के लिए। स्वामी जी नेमो चरवैयार में चोर चंदर बदमाश हथियारा घेर भरा मेरे साथ की सहेली मेरे पास से निकल भाग गई। वो हथियारा मुझे घेर करके मेरे पर छोड़ा मार डाला। क्या हथियारा ने छोड़ा मार डाला? तो मैं यहाँ पत्तीरपुर के बांस मार की खड़ी हो गई है। यह बांस को काटने के लिए मानिकपुर शहर से एक डोमा आया था। वो डोमा को मैं जवाब की डोमा या बांस को तुम नहीं काटो, अगर यह बांस को काट लीजिए अगर तुम आओगे तो तुम दोनों पुरानी खुर बगर करके मर जाओगे। यह बांस को वही लड़का काट सकता है जो लड़का मेरे सिर में सिंदूर भरा है। आप मेरे पतिदेव हैं। हाँ भैया मैं तो इसी बात को मानता हूं कि जब इस बांस को कोई नहीं काट सका तो मैं ही क्यों काटा, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूं। चलो रानी मैं यहां से अपने घर को चलो और वहां से विदाई करके तुम्हें ले जाऊंगा। स्वामी जी बोलो प्रिया, यहां से आप मानिकपुर जाने के लिए चाहते हैं कि तारापुर जाने के लिए चाहते हैं? चलो मैं यहां से तुम्हें तारापुर लेकर के चलता हूं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है? नहीं रानी, तुम्हारे समझ में इसलिए नहीं आ रहा है आप इसी कि मैं तुम्हारे घर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हर वो बेटी को अपना घर इतना प्यारा होता है, अपनी माँ बाप भाई अपने ससुराल में अगर वो भी रह जाए वो कहेगी कि नहीं मैं तो अपने भाई को मिलना चाहता हूँ, मैं अपने माँ से मिलना चाहता हूँ।
स्वामी जी, और मुझे ये बात नहीं कहोगी कि मालिक दूसरे जाने के लिए क्योंकि मुझे भी भैंस पहुंची है, तुम्हारी हत्या हो गया और मुझे कोई खबर नहीं मिली। स्वामी जी बोलो फिर, ये अगर आप मालिकपुर को जा रहे हैं, आप मालिकपुर को जा सकते हैं। मालिकपुर नहीं जा रहा मैं, तारापुर शहर लेकर जाऊंगा तुझे। क्या तारापुर? हाँ फिर तारापुर आप यहाँ से वापस मत नहीं स्वामी जी, अभी आप जहाँ जा रहे थे वहाँ आप जाने का प्रयास कीजिए। अरे कैसे जाओ स्वामी जी? बोलो रवि, आप एक मिनट दस सेकंड दीजिए। जैसे भी दासियां भी थी उसी की दासियां में प्रवेश कर जाए जाए, आप यहाँ से चले जाइए मालिकपुर। मालिकपुर में जा करके मेरे भैया से आप विदाई, समझ लो ये विदाई मानना है। समझ जी ना जाने, मैं तो सरकारी पद रहता हूँ, मैं जाऊंगी महर्षि निकली उस टाइम से, ना जाने कि मेरे भैया मरण में होगी कि ना होगी। क्या तुम्हारा कहना है कि स्वामी जी यहाँ से जलकर मानिकपुर शहर जाकर भैया से विदागिरी मांगिए, मैं वहीं से विदा होकर चलूंगा। ठीक है, मैं आवाज लगाता हूँ, अगर तुम मेरी बसिया में आ जाओ उसके बाद मैं अपने साले शहर से विदाई लेने के लिए जाऊंगा। मेरे रानी कहा कि आप जाकर के भैया से विदाई मांगो, और मुझे भी एक मौका है। सुनसान खटर है जिसमें इंसान का बसेरा तो हो ही नहीं सकता है। मैं क्या करूं, मैं किससे पूछूं कि इस महल में कोई है या नहीं है? ये तो लगता है कई दिनों से विरान पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं भूख फिर करके देखता हूं कहीं कोई इस महल के आसपास मिल जाए तो मैं उससे इस महल में रहने वाले का पता पूछूं। लगई
भैया
पूछना चाहता हूँ भैया, इसके बाद मैं आपको इच्छा भर भोजन दूंगा, आप जो कहिएगा मैं वो आपको ला करके खिलाऊंगा। भैया आप मुझे एक सवाल का जवाब दो। कैसे सवाल आप पूछ रहे हैं? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो खंडर पड़ा हुआ है, जो विराट देखने में लगता है, लगता है किसी जानवर का बसेरा है इस महल के अंदर में, ये महल का जो मालिक है तो इस महल को छोड़कर भाग कर ही गया। देखो भैया, आप जो बोल रहे हैं उसका पैसा नहीं लगता है, सिर्फ अगर आप इस महल के बारे में कुछ जानते हैं तो मुझ तक शहर के लिए, क्योंकि मैं इस महल का हर समाचार इसलिए पूछने आया हूँ कि मुझे इस महल से बहुत पुरानी रिश्ता है। मुझे एक बार बताइए, किस महल का जो मालिक है वो यहाँ है, वो यहाँ से कहीं चला गया है? सबसे पहले मैं तो आपको नहीं जानता हूँ, नहीं पहचानता हूँ। आखिर आपका कहाँ घर है, क्या नाम है? सर मेरा नाम बोलना चाहता है। ठीक है, मैं अपना नाम बता देता हूँ, उसके बाद आप मुझे इस महल के बारे में बता देंगे? मैं सारी बात बता दूंगा आपको। मेरा घर तारापुर शहर पड़ता है और मेरी पिताजी का नाम तारा सिंह है और मेरा नाम खीरा सिंह है। आपको आपका मुझे बता सकते हैं कि इस महल का राजा कौन है? हाँ हाँ मैं जानना चाहता हूँ।
राजा भाई राजा हूँ बादशाह क्या ये क्या कर रहे हैं इस राज के राजा है क्या मुझे बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है और आपकी बहन का नाम क्या है आपके पिताजी का नाम क्या है आज के राजा पर है राजा दे और मेरा भी नाम पड़ता है राजा बादशाह तेरी बहन है छोटी बहन के नाम पर झूला अगर इस दुनिया में पता तो मेरा यह ऐसा नहीं होता आज बहन के कारण में डर पर भटक रहा हूं ये क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि मेरी बहन अगर अंत तक मेरी ये दशा ना होती आपकी बहन गई कहां है नहीं है मुझे उससे बुलाओ मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ मैं तभी समझूंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं पहले आप अपने बहन झूला बोल रहे अगर हमारे बहन इस दुनिया में आता तो मेरा यह सदी होता बहन मैं आपको कह रहा हूँ कि इस दुनिया में नहीं है हमारी बहन कब का बात है आपकी बहन हो चुकी है इस बात की मुझे कोई खबर नहीं है आखिर क्यों इसलिए लोग रिश्ता बनाते हैं क्या चीज है उसके साथ मुझे बताइए जल्दी बताइए मुझे मैंने अपने बहन को मैंने अपने हाथों से हत्या कर दी हमारी बहन कौन सी बहन है लक्ष्मी सी बात थी आज उसकी बात को हत्या कर दी दूल्हा थी मैं आपका गुनहगार हूँ मुझे भी हत्या कर दीजिए दूल्हा जी मैं इस दुनिया में नहीं जीना चाहता हूँ भैया क्या आप अपने हाथों से अपनी बहन की हत्या की है आखिर इसकी वजह क्या है आप क्यों मारे अपने बहन को और हालात में भी आप मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं तो लक्ष्मी रानी ने मुझसे दोनों से सत्तर वाली और सबकी बदल में आ करके मैंने अपनी बहन को मैंने हत्या कर दी दूल्हा जी क्या अपने सत के लिए अपनी बहन को मारे हैं दूल्हा जी अगर मार दिए तो तुमसे खबर तो मुझे करना चाहिए था मैं आपको कैसे बताता दूल्हा जी की मैंने अपने बहन को मैंने अपने हाथों से हत्या कर दी मैं क्या करूं आप ही मुझे बताइए दूल्हा जी अब हमारे पास कुछ नहीं है हमारे सारे शरीर में कोई कुश्ती हो गया है दूल्हा जी अब मुझे यह जीवन जिया नहीं जाता है मैं यहाँ से चला जाता हूँ दूल्हा जी किस
किसी नदी में या सर पटक करके मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगा दूल्हा जी। क्या इतनी जल्दी अपनी जिंदगी से हार गए? ठीक है, मेरी शादी अगर इस मानिकपुर शहर में हुआ है तो इससे मेरी पत्नी का डोला भी यहीं से जाएगी। आओ हो मंडप यही सा आपकी बहन आपके दरवाजे पे खड़ी है, जल्द से जल्द मुझे विदाई का तैयारी कीजिए और मुझे विदा कीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। भैया किसी दुखिया से वो मजाक करता है जो अपने कर्मों से हीन होता है। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपकी बहन आपके दरवाजे पे खड़ी है, आप जल्द से जल्द विदाई की तैयारी कीजिए, आपकी बहन आपके पास है। आओ सत के तुम तो सदवर्ती हो ना रानी, लेकिन ये कौन सी झूठ है जो अपने पति के साथ बोल रही हो कि मुझे किसी चोर जंगल ने हत्या कर दिया? क्या इसलिए तुम मुझे इस मानिकपुर शहर में भेजी हो? क्या बोल रही? देखो रानी, ऐसा नहीं है, जब तुमने मुझे निमंत्रण भेजा मानिकपुर शहर के लिए भेजा तो अचानक मैं इस महल को देखा तो मुझे ऐसा महल में किसी जानवर का बसेरा है। मैंने घूम फिर करके देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने कुछ आदमी को इशारा देखा, उसे बात करो, लेकिन वो मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल दिया। लेकिन जब मैं ढूंढते देखा तो एक भिखारी भीख मांग रहे थे और उसे कोई भीख देने के लिए भी तैयार नहीं था।
क्योंकि जिस रास्ते से वो चल रहे थे उस रास्ते में लहू थी और कमार बह रहे थे, रास्ता बदलू कर रहा था। क्या मेरे भैया है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं तुम्हारे बारे में पूछा कि आपकी बहन कहाँ है, तब इसने सब बताया, तो मुझे भी विश्वास हो गया। मेरे भैया तो राजा थे, इनका मर्दन से मैं उसे भिखारी बना दिया, इनका मर्दन से लोग उसका प्रभाव चल रहा है। स्वामी जी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये रानी ने लिया है। कैसे है रानी कि कर्म प्रधान विश्वकारी राखा, जो जस नहीं तस फल चखा, जो जैसा करेगा रानी वो ऐसा ही भरेगा। तुम कम से कम एक बार बात करो। और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यहाँ पे मुझे बहुत बदबू आ रही है, कम से कम उसका कोई उपाय करो रानी। आपको नहीं पहचानते, मुझे जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं कैसे पहचानूंगा कि तुम कौन हो? क्या क्या बात समझ नहीं है भैया? मुझे संसार दिखाई नहीं दे रहा है। स्वामी बोलो रानी। बोलो भैया क्या बोल रहे हैं? ये सच कह रहे हैं रानी। भैया मुझे कोई बहन नहीं हो, मैं किसी बहन का भाई नहीं हूँ। आपका राजा जी भैया, आप ऐसे शकल क्यों बना रखी है? मैं राजा था और इस दिन से हमारी बहन इस दुनिया से गुजर चुके हैं। आज उस दिन से हमारे शरीर में कोई कुश्ती है, मैं तर तर के टूकर बिका रहा हूँ। भैया क्या मुझे नहीं पहचानते? मैं कैसे पहचानूंगा? यह मुझे संसार अंधेरा हो चुका है। भैया मेरी भाभी माँ कहाँ है? क्या मुझे भैया कहते हो और क्यों कहते हो भाभी माँ? मैं अपने भाभी माँ को देखने की चाहती हूँ, मेरे लिए बरस रही भाभी। भाभी आये महबेला किया है भाभी जी, दे होते है दरसा भैया। क्या शेर भर को आप अपने हाथ से हत्या करते भैया? आप याद कीजिए, मैं आपकी छोटी बहन सत्य झेलाओ भैया। मैं किसे मानूंगा जिस बहन को मैंने अपने हाथों से हत्या की है? वो बहन कैसे जिंदा हो सकती है? तुम अपने भाई को बार बार कह रही हो कि मैं आपकी बहन झूला हूँ, लेकिन जब उसे बहन नहीं है तो कैसे तुझे पहचानेगी? तुम तो एक संपत्ति हो ना,
साधु अगर तुम आज सतवर्ती होता हो जब अपने पति के सामने तुम मुझे दिखा दो, क्योंकि मेरा भी आत्मा व्याकुल हो रहा है कि मैं अपने भाई को इस हालत में नहीं देख सकता। साधु जी मेरे भाई का तुम आप को लौटा दो, उसकी शरीर को कंचन कर दो रानी। आप तो मेरे पति देव ही, मैं आपकी घर पर पति हूँ। साली बोलो कहते हैं नारी नारी होती है, नारी का अधिकार केवल पुरुष तक रहता है, पुरुषों पर है केवल नारी तक रहती है। साली जी हाँ हाँ प्रिय नारी जो कुमारी रहती है तो वह सतवर्ती कहलाती है, जब उनकी शादी हो जाती है तो वह पतिव्रता नारी कहलाती है। मैं पतिव्रता नारी हूँ स्वामी जी, मेरे भैया को कैसे आंख होगी उनके बारे में आप बता दीजिए। स्वामी जी अगर तुम पति करता हो तो आज तुम अपने पति के नाम लेकर के अपने पति का अगर पूजा करती हो तो उसे भगवान मानती हो, तो आज तुम उसका नाम लेकर के अपने कमलिया उंगली को छीलो और अपने भाई के ऊपर में छीन दो। जब जब तुम अमृत छीटोगी तो भाई स्वच्छ हो जाएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि हर वो सद्वर्ती में इतनी ताकत होती है जो अपने पति का भी प्राण यमराज से छीन करके ले आते हैं। ये तो तुम्हारे भाई है। ठीक है स्वामी जी देखो रानी, जब मैं मानिकपुर शहर में आया था तो मुझे कोई एक पंछी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इस बाबा को देख रहे हैं कि बड़ी मस्ती में जा रहे हैं। बाबा हाँ हाँ प्रिय कौन है बाबा? क्यों नहीं भाई साहब का हाथ दिखा दूं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है? बाबा बाबा सौ सुरु सौ सुरु सौ सुरु सौ सुरु बाबा क्या बोल रहे हैं? सौ सुरु सौ सुरु सौ सुरु बाबा बाबा अब ची आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं? हम अभी पंजाब से आ रहे हैं, पंजाब अभी के हरियाणा से आ रहे हैं बच्ची। हरियाणा में क्या करते हैं आप? हरियाणा में बच्ची आप राम रहीम भगवान के पास रहते थे बच्ची, राम रहीम भगवान के पास। क्या राम रहीम बाबा? हाँ बच्ची उन्हीं का चेला आप हैं? हम उसी का चेला है। आप पंजाबी आता है बच्चा? श्री बाबा आप जी पंजाबी भाषा के बारे बोलिए तो तू मेरी नाल की गल करी जानता कुड़ी तनु की लोड़ है तनु रस्ती क्या लगती चाहिए है बाबा आज क्या बोल रही है? सुनिए आप क्या बोल रहे हैं, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ला यार तन्नु पुच्छा सी ओ पप्पे पंजाब की गल लग रहा हो, मैं पंजाब की गल करता ना तेरी समझ नहीं आती है। बाबा बाबा अच्छी आप ऐसे हो गई है, मैं समझ गई बात क्या बोल रहे हैं। बाबा आपकी भाषा हम लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन भाई साहब जरूर समझ लेंगे। मैं बुलाता हूँ साहब जी क्या भैया कौन लगेंगे भैया तेरे पाजी कितने दस बनाओ नू मैं कल करांगे उन्हें बाल आहो हो दारा सारा हो भैया जी ये दुनिया हो जाए ये तेरे हो हे हे भैया हे आज दुनिया आज तेरे हो भैया क्या आप ठीक है ना?
बहुत अच्छा होता है, भव्य बात कहेंगे। आज अगर तुम नहीं रहते तो आज मैं जानता था सही तक कि हमारी बहन एक लक्ष्मी समान है, पति मर्दादारी है। आज यह धन्यवाद होंगे तेरे बहन भैया। आज इस महल में जितने भी गलती किए हैं, राशन का बुला लिया मंत्री राशन का, और मुझे पछती है और पहुंचा। आज मैं रानी से एक एक बात में पूछा हूँ कि सारे उल्टा पुल्टा बात बता करके वो पहचान और चित्ती इतना काम करवाया है। भैया मैं देख रहा हूँ कि बाबा यहाँ पे मैं उसे रोक करके रखा हूँ। भैया हाथ मिलाने से आए बाबा साहब, इनसे आप अपना भाग दिखा कर दिखा लीजिए। आप भाग हम इसको सकते हैं मेरे भैया, एक बार हाथ देख दीजिए तो बाबा बाबा जरा हमारा हाथ रेखा देखिए तो। अच्छा सबसे पहले मुझे प्रणाम करो, इसके बाद हम आशीर्वाद देंगे, फिर आपका हाथ से रेखा देखेंगे। अच्छा प्रणाम बाबा, आनंद रहो आनंद रहो बाबा। अब अच्छा आप सबसे पहले हमारे हाथ दिखा देखिए, देखते ही लेंगे। अच्छा हाँ बाबा, दासी तुम हाथ बंद कर लो, हम बच्चा राजन का हस्त रेखा देख रहे हैं। बाबा हाँ बच्चिया, ये आपकी दासी है? हाँ मेरे दासी है, ये तो मुजफ्फरपुर के गर्भवती है, इसको 6 महीना हुआ है अच्छी। बाबा क्या हमारे हाथ रेखा क्या बता रहे हैं? बच्चा बाबा आपका क्या? बहुत परेशान है, बहुत परेशान है बच्चा। भैया अच्छा बाबा सबसे पहले ये बताइए कि आज हमारे श्री दरबार होते हुए आप जा रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बच्चा हम आ रहे थे, हम आ रहे थे सहरसा से, लेकिन धमाना घाट जा रहे थे, धमाना घाट की ट्रेन छूट गया तो सोचे सिंहेश्वर स्थान चले जाते हैं। ये वीडियो कैमरा है, वीडियो कैमरा अगर हम आगे चलते हैं तो इसको लॉकिंग ग्लास के तरह इसको पीछे रखते हैं, पीछे हो सकता है अगर कोई पीछे से वार करेगा तो हम इस लॉकिंग ग्लास में देख लेते हैं बच्ची। यानी इसका मतलब है कि आप गुंडा बाबा? क्या गुंडा बाबा? हम गुंडा बाबा नहीं है बच्चा, हम बहुत इंसान बाबा है। अच्छा बाबा आप जब सिंहेश्वर स्थान जा रहे थे अच्छा, वहाँ तो आपको दही चूड़ा का भोजन अच्छा अच्छा मिलेगा एकदम, तीन दिन यहाँ पर दही चूड़ा का भोजन बहुत अच्छा से व्यवस्था करूँगा मैं यहाँ पर। हाँ बाबा तो ठीक है बच्चा, जब यहाँ दही चूड़ा का ध्यान होगा तब सिंहेश्वर का मधेपुरा कहीं भी नहीं जाएंगे बच्चा। देखिए बाबा सबसे पहले इस वीडियो कैमरा को आप रख दीजिए, नहीं कोई पीछा से बम छोड़ देगा तब तक नहीं। यहाँ पर आप इस जगह पर जिस जगह पर गए हैं आप पूरा सुरक्षित हैं, ठीक है? हाँ वो तासे रहे और तासे रहे कितनी है तो बाबा कहते हैं जय भाई और लालक दे अब ठीक है बाबा। मैंने सिंहेश्वर जा रहा थी लेकिन तेजवासी की दही चुरा दी तो जन हो गई थी, रुक जान आएगा। अब चार क्या है ये छत्ता है छत्ता, क्योंकि आज का धूप बहुत ज्यादा लगता है, धूप ये छत्ता रखने से चेहरा पर धूप नहीं लगता है बच्चा। बाबा
आप इस छतरी को उतार करके रख दीजिए। इस वक्त आप यहाँ छत के नीचे, लेकिन बच्चा छत का नीचे भी धूप लगता है, छत का नीचे भी धूप लगता है, लगता है बाबा यहाँ क्या चीज है ये? हाँ ये हम तो है ना, हम पहले कमांडर फौजी में थे, फौजी में। अच्छा, जिस तरह से अभी हमारे विपिन भाई मधेपुरा में ड्यूटी कर रहा है, हाँ, उसी तरह से हम ड्यूटी कर रहे थे। अच्छा, लास्ट में ड्यूटी से रिटायर हो गए तो सोचे कि चलो शादी सख्त हो जाते हैं बच्चा, विपिन कमांडो की बात कर रहे हैं। अच्छा बाबा, आप इसको रख दीजिए नीचे। बच्ची लगता है भर पेट नहीं चुना खिलाएगा बच्चा। पेट दर्द कर रही है क्योंकि। अच्छा, तुमको जो है खट्टा खिलाएंगे, खट्टा ही नहीं खा। अब चरण सुनिए कि आपका देख रहा है कि दाढ़ी पक चुका है कि, लेकिन बाल बहुत काला है, इसलिए बाल काला है बच्चा कि अब हफ्ता रोज में बाल को डाई करवाते हैं काला रंग से, यानी कि भस्मूल भस्मूल से। हाँ, ये जो है इसको चूना से रंग करते हैं, चूना से, यानी कि पापली में आप रंग किए थे। हाँ, पापली में किए थे, लेकिन दाढ़ी में कुछ बाबा मुझे सस्पिशन बुझा रहा है। सस्पिशन हो रहा है तो मधेपुरा के बगल में मिशन है, चले जाओ जांच करवा लेना बच्चा। मैं तो कुछ देख रहा हूँ कि दाढ़ी और बाल में कुछ बहुत मुझे डिफेक्ट बुझा रहा है। डिफेंस डिफेंस किए हैं इसलिए डिफेंस है। वो तो देख रहा हूँ कि आप आंख तक बाल है, इसे थोड़ा हटा के देखिए। अमृत तो है, अमृत देखिए बाबा जरा इसको मत खोलिए। अरे ये तो लगता है टोचन है कि भेजिए। अब दही चुना की खेल हो आप जबरदस्त। इधर बोलिए बाबा महाराज पहचान आप बाबा बाबा महाराज कहा रहिए, आप तो बिनो भद्री बाबा से बच्चे से नीचा भेज जाए छी। आप पहचानते हैं, पहचानते हो आप मतलब पहचान दे करो यहाँ के साथ फुटबैंती करना चाहिए। फुटबैंती नहीं करना है। चिंती ये जब हमें आउट उठा गए तब जब स्पोर्ट इधर सुनिए नहीं पहचानते हो नहीं पहचानता चाबूस चाबूस भैया इसको चोट लगने वाला नहीं है, वो बोल ही रही है सीधा फिरा करके बात। मालिक हो क्या मालिक जाओ तुम्हारे अंदर कितना सामान है? हमारे अंदर हमारे अंदर है फल थ्री नॉट 147। मैं सिक्सर और थ्री नॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोड़ा घट को छोड़ा कर पहले इसको उतारने के सबसे पहले इसको एक किलो गर्जी पी ने चौतर में ठंडी के मौसम से मालूम ठंडी लग रहा है तुम्हें तो पहले उतारो तुम्हारे यहाँ हीटर में लगा देता हूँ। हीटर देखो वहाँ लगा हुआ है ना हीटर, तुरंत देख लो जल्दी उतारो। चिंती के आप जो थे इतना तीन महीना में सौ सौ छपेंगे इसको खोला भैया
अंजुना एक बार जाते हैं क्या बात है जब डुप्लीकेट बाबा वहां करके जा रहे थे इसका मतलब है कि चिट्ठी भी डुप्लीकेट गर्भवती बन करके जा रही है सारी चिट्ठी जाता हूं चिट्ठी क्या तेरे गर्भवती है एक बार सीखिए ना एक बार सीखी को भी देख लेते पेट में है बड़ा ऐसा लगता है कि इसको भी तू डुप्लीकेट नहीं है जाकर करते हो दिखा सब कपड़ा गंदा भाग ले मधेपुरा गुम की पूरा लंगा तो सब तक हुआ तुम्हें सोलह उसको खोलो इसको खोलो आप कुछ नहीं है आप छोड़ दो आप इसका भी खोलो जल्दी खोलो ये मत्ती सब के जी सी आज हम तो हराम लावा चोगे एक अच्छी नदी गे रे 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 नो है नीचे वाला खोलो पहले हम चाह रहे चले आप कुछ नहीं हो कुछ नहीं चले आप कुछ
इसी राजू का राजा कौन है? जल्दी खेलो, इसका भी खेलो, जल्दी खेलो। जल्दी खेलो। सवाल पूछना पिन बोले तो हम लोग नहीं खोलवा, अन्य पूछो तो हट लगा। पहले तुम खोलो ना, उसके बाद नौकरी किसे खटाना है और क्या करना है, इसको भी खोलो, जल्दी खोलो। सच खोलो, सोटा लाला, जल्दी खोलो, सोटा लाला। क्या चीज है? जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। ये पीछे क्या चीज काम रखा है? ये वाले जींस अब कुछ नहीं है, आप खुश नहीं है, आपने क्या मानी? इसको भी खोलो, इधर आओ, इसे भी खोलो। आप मालिक की तैयार पेशी आप कुछ नहीं है, आप ठंडी चले, फिर इसको भी खोलो, खोल लो। जल्दी खोलो, इसको भी खोलो। कतरा ऊपर वाला एक ही गोचर मालिका, एक ही है। अब आप खोलें चाहो, जल्दी खोलो। आप सब कभी न पहुंचे ले गया माल, जल्दी खोलो। उसको भी खोलो, और रहे ऊपर वाला सच खोलो। क्या खोलने में दिक्कत होता है? 30,000 जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। 30,000 हमारे पैर में चल जितने, जल्दी खोलो। अरे मैं थोड़ा गोर लगा कर चुप नहीं रखे। सच बोलो, सच। हाँ खोलने में दिक्कत होता है? क्यों भैया, ये खोल दे हो, जल्दी खोलो। जल्दी खोलो, सब कुछ लाला खोलो, पैंट खोलो। मालिक सिंगल पीस से, इधर आओ, सिंगल पीस से, इधर आओ। सिंगल पीस है, फिर भी उसको भी खोलो, जल्दी जल्दी खोलो। इसको भी खोलो, इधर आओ, खोलो खोलो, और भी खोलो, उसे जल्दी खोलो। ठीक है, और भी लगा, वाह ये भी और लगा, जल्दी खोलो। अरे इधर आ रहा, इधर आ रहा,
अब नहीं हो मालिक अंदर भी हो बच्चे के लिए अंदर भी और अंदर भी हो मैं चेक करूंगा भाई अंदर भी हो अंदर भी हो जा चुके हो भैया भैया प्रेशर को छोड़ दीजिए मैं ऐसे ही इसे नहीं छोड़ूंगा इधर आओ इधर आओ आज तुमने इस महल को ये बताओ अब तुमने ये बताओ कि तुमने यहां जी को तुम क्या सब पढ़ा रहा है हमें कुछ ना पढ़ लिया मदन का सब हम कुछ ना पढ़ लिया कुछ नहीं पढ़ा रहे कुछ नहीं सही सही तुम बता भैया इसमें ट्रेचर का कोई गलती नहीं है सही सही बताओ सही सही बताओ दीदाजी दीदाजी लुच्चा चलो फंदा लुच्चा चलो फंदा दीदाजी क्या चाहिए दीदाजी बात करो बात करो बात करो मैं अपना घर बताऊं क्या घर बता दूंगा तुम्हारा बार बच जाएगा मेरा घर है तारापुर शहर पड़ता है आपके नाम अमारा सिंह पिता का नाम तारा सिंह है और तुम जानते हो अभी तुम्हारा क्या दशा होगा वो तुम देख मैं हमारे खबरदार पहलवान बच्चा लिया मरिएगा जिंदगी यानी तुम बचने के लिए चाहते हो मैं बच मरिए तुम बचने के लायक कहाँ हो तुम बचने के लायक हो बचने के लायक नहीं छुट बचे के काली माँ का अंबेली पूजा कर उसी मंदिर में आज तुम्हें बलिदान दूंगा हम काली माँ का बलि होली पर मैं सरस्वती वाले में फूल लगता हूँ जिस तरह से जाता है बलिदान बकरा को लेकर के उसी तरह से तुम्हें भी ले जाऊंगा अपना काली माँ कुछ और कहते हैं मुझे बहुत खुशी बकरा को भी फुलाकर फूल खाना आज सुनिए मानी माला पहना दोनों प्राणी छे आप कभी दुनिया से जाए छे हमे जब अनुरोध देव तू अबरे संस्कार बहुत खराब भाग हमे मोर में तो दुनू बोला बड़ा सोच बाबू बनवा छो सोच अरे
तू तो बालो रंग मार घोड़ा से घूमे छे तू तोरा घोड़ी से घूमे तो रे इधर आ चिंती अरे मैं तू मर जैसा बना मर इधर सुनो ना उधर सुनो रे प्राचीन हम आज कर लाए तुम्हारे तो मैं आज कर सकता हूँ इधर आ इधर आ मारिया मालिक चार बार बहुत परिवार के लिए तो तीन बार आहो सबक हो गए गलती हो भैया जी भाभी माता का गलती हो भैया हो कंचन धरा भैया अब बता दी किसी सारा गलती है चेतना का दे दो मेरी भाभी माँ को कहा कहीं तो सीधा जा चुका हूँ एक घंटा अकेले कर के भाभी का गलती थी आप तुरंत हमारा पास सोच फेंक मैं उसे ये सारे बात मुझे जानकारी चल चुका है अच्छा सब इसके बाद अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ हाँ क्योंकि तुम्हें माफी नहीं मिलने वाला है तुम्हें कोई माफ नहीं कर सकता है अगर कोई माफ कहा जाता तो यहाँ छोड़ दो बने मारी देखो कितना दर्शक है जनता अगर तो एक बच्चा तक तुम्हें कहा दे कि इसे माफ कर दिया जाए तो तुम्हें माफ कर दूंगा क्या तो बना हाँ पक्का माफ कर दूंगा क्यों क्यों छोटका देना यार क्यों बड़का भैया यार बुढ़वा तो का यार भाई तो पहले चल बात एक बार कर जब वो तब माफ दे देते हैं कल सिंहासन घूम बन कर जब हो एक बार कर बात छोड़ कर यार सब पर न छोड़ दे सब पर छोड़ दे तुम्हारे पक्ष में कोई भी आदमी नहीं है बोलो चाहे एक वो तो जरूर है एक बार बाबा आप आप छोड़ देना कौन था अगर हमारा बच्चा लोग है तो छठ दिना संस्कार आनंद का भाई बात ये फ्री का तो भाई बात ये लोग को तैयार हो अगर हमारे बहन सब अगर आज कल में हमारे आना चाहिए तो ही सब का बहन को एक ही दही छोड़ देना तो छोड़ देते ये लोग को छोड़ देना तूने कुछ लिया तुम्हारे कुछ लिया ना कुछ लिया मार रही सब का कहीं छोट रहे कहीं छोट रहे थे ये भाई ये बता ले छोट रहे ठीक है आज एक बूढ़ी माँ ने तुम्हें बचा लिया लेकिन एक हमारी माँ सवाल है उसका मान सम्मान करना चाहिए ठीक है एक भाई उत्तम भाग के लोग हैरान ओकर भाई रे भर रुपया करे ले दोस्त सब भाग गए आ तू हमरा बचा लेली तो हम तोर भर रुपया करे पशु चल छबो चले भाई हमार तू अपने देह को चल गई है दोस्त सब भाग गए गलती करके तने मार देता चलो एक मिनट मेरी बात सुनो अच्छे अच्छे आयो ऐसे करो आज बोल 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 तुम यहां से इस राज से खाली करो हमें सीधा यहां से घर पर लगाओ नहीं तो अभी तुम्हारा फांसी की जीत होगा एक के अच्छे हमारा भगवान बोला कि बाबा भाई ने अपने भाई का भाई के बेटे का रस किया तो हो जिन के आयो सब हो जिन के आगे भी हो जिन के पीछे भी हो जिन के आगे आगे जी Comic, comic.
आज तुम्हारा बाप दूसर का लाइक नहीं रहा है, तुम बहुत बदमाशी करता है। दोस्तों अब यहाँ से हम लोग प्रोग्राम को ही विराम देते हैं, अब यहाँ से मेरा प्रोग्राम समाप्त होता है। अरे वो भद्र राजा राम